फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के एक टॉपिक है, परम्यूटेशन, वो समझाऊंगा। परम्यूटेशन क्या चीज़ है? परम्यूटेशन इज़ एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आइटम। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट्स या आइटम्स की हम अरेंजमेंट करें, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ठीक है, वो परम्यूटेशन कहलाता है। अभी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट आइटम और ये ऑर्डर अरेंजमेंट क्या चीज़ें ये बताता हूँ। इसका जो फॉर्मूला है वो है एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है परम्यूटेशन का, ठीक है। ये पूरा एक फॉर्मूला है। अब एन कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को और R कहते हैं टाइम को। अभी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और R क्या चीज़ है, टाइम क्या चीज़ है, बताता हूँ आपको मैं एग्जाम्पल के साथ। इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड ए बी सी डी कैन बी अरेंज टेकन टू एट अ टाइम। यहाँ पे नंबर ऑफ N कितने हैं ऑब्जेक्ट, 4, ए बी सी डी, और टेकन टू एट अ टाइम R कितने हैं, 2, राइट। अब हम इसका जो है फॉर्मूला इसको सॉल्व करते हैं। एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फैक्टोरियल नोटेशन किसको कहते हैं और किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब एन यहां पे है 4 और नीचे एन माइनस आर, आर हमारे पास 2 है, राइट, फैक्टोरियल। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल मींस 4 बाय 3 बाय 2 पे हम फैक्टोरियल पे छोड़ देते हैं और नीचे 2 फैक्टोरियल है। ये मैंने पूरा सॉल्व करके बताया था लास्ट वीडियो में कि फैक्टोरियल नोटेशन को किस तरह सॉल्व किया जाता है। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 3 12 मेरा आंसर हो गया, राइट। मींस 12 सेट बनेंगे एबीसीडी के, 2 2 टेकन 2 एट अ टाइम ना, तो कैसे बनेंगे, जैसे ये एबीसीडी था मेरे पास, अब 12 सेट कैसे होंगे, ए बी ए सी, ए को बी से क्या, ए को सी से ए डी, फिर आते हैं बी से बी बी ए बी सी बी डी, देन सी ए सी बी सी डी, देन डी ए डी बी डी सी। ये लिस्ट दी हुई थी, मैंने इसके सेट बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेट बन गए, जो मेरे पास आंसर आया था। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। इन हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट डिजिट्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 3 4 5, 3 4 और 5। इट मींस फॉर्मूला लगाते हैं तो एन पी आर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n कितने हैं मेरे पास, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 3, लेकिन r नहीं दिए हुए हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 3 4 5। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तो 3 है, r टेकन 2 एट अ टाइम, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था। जब भी r इस तरह ना दिया हुआ तो जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है उतने नंबर ऑफ टाइम भी ले लेंगे, यानी n बी 3 आर बी 3, यानी एन भी 3 होंगे और आर भी यहाँ 3 होंगे, ठीक है। अब एन 3 है, एन 3 माइनस आर 3, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा, जब भी 0 फैक्टोरियल आए तो वो 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा। लाइक इस क्वेश्चन में है 3 बाय 2 बाय 1 और नीचे 3 माइनस 3, 0 फैक्टोरियल, यानी वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 टू 6
सिक्स वन जा सिक्स अपॉन वन, तो सिक्स ही आंसर आएगा, यानी इसकी मीन सिक्स सेट बनेंगे तीन तीन के, लाइक फर्स्ट है थ्री फोर फाइव एक सेट, दूसरा थ्री फाइव फोर बना लें, फोर थ्री फाइव कर लें, रिपीट ना हो फाइव फोर फाइव थ्री कर लें, फाइव थ्री फोर कर लें, और लास्ट फोर फाइव फोर थ्री, ये मेरे तीन तीन के छः सेट बन गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक और। इन हाउ मेनी वेज कैन फाइव मैन बी सेटेड इन अ रो हैविंग थ्री सीट्स, यहां पे एन है टोटल फाइव और आर है यहां पे थ्री, वही एन पी आर, एन माइनस आर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, फाइव पी थ्री इज इक्वल टू फाइव फैक्टोरियल अपॉन एन फाइव माइनस थ्री फैक्टोरियल, तो इट मीन्स फाइव फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करते हैं, अगर तो फाइव बाय फोर बाय थ्री बाय टू फैक्टोरियल पे छोड़ दें और नीचे टू फैक्टोरियल है तो टू टू कैंसिल हो गया, उसका जो आंसर आएगा फाइव बाय फोर बाय थ्री 60 आंसर आ गया। अब लिस्ट तो दी भी नहीं है तो इसके हम सेट नहीं बनाएंगे, ठीक है। लाइक ये क्वेश्चन है, सेवन प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तानी हॉकी टीम कैन प्ले इन एनी ऑफ द फाइव फॉरवर्ड लाइन पोजीशंस, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस पोजीशन बी फिल्ड, ये सवाल है। सेवन प्लेयर्स कैन, इट मींस एन कितने हैं सेवन, और यहाँ कह रहे हैं हाउ मेनी वेज सेवन प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तानी हॉकी टीम कैन प्ले इन एनी ऑफ द फाइव फॉरवर्ड लाइन, आर कितना हो गए फाइव, अब मैं इसके पोजीशन को इस तरह अरेंज करना है, वही एन पी आर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, मीन एन फैक्टोरियल सेवन फैक्टोरियल, एन माइनस आर सेवन माइनस फाइव फैक्टोरियल, तो ये सेवन फैक्टोरियल सेवन बाय, मैं पहले इसको नीचे को सॉल्व करते हैं, टू फैक्टोरियल, तो इट मीन्स यहाँ पे जो होंगे सेवन बाय सिक्स बाय फाइव बाय फोर बाय थ्री बाय टू पे फैक्टोरियल पे छोड़ देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल कैंसिल, अब इसका आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइव सेवन बाय सिक्स बाय फाइव बाय फोर बाय थ्री इज इक्वल टू टू फाइव टू जीरो, ये बना आंसर। इसमें भी लिस्ट तो है नहीं तो हम इसके सेट नहीं बनाएंगे, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आते हैं जैसे लाइक इन हाउ मेनी टू डिजिट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स वन थ्री सेवन एंड नाइन व्हेन डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड एंड रिपीटेड, अब तक जितने भी हमने ये क्वेश्चन किए हुए हैं इसके जो एग्जाम्पल्स किए हैं ये सारे नॉट रिपीटेड हैं, लाइक मैं वापस आपको सॉल्व कर देता हूँ कि यहाँ पे एन कितने हैं वन टू वन टू थ्री फोर, एन है फोर और कह रहे हाउ मेनी टू डिजिट्स, तो आर कितने हो गए टू, तो मैं पहले अगर एक ही बात करता हूँ नॉट रिपीटेड की, को सॉल्व करते हैं तो वो नॉर्मल फॉर्मूला है जो मैंने आपको एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसी क्वेश्चन से मैं सॉल्व करूंगा, तो एन कितने हैं मेरे पास फोर एंड एन माइनस आर फोर माइनस टू फैक्टोरियल, तो ये फोर अपॉन टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू फोर बाय थ्री बाय टू फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, फोर थ्री ट्वेल्व आंसर आ गया मेरा। अब इसके सेट बन जाएंगे वही ट्वेल्व सेट बनेंगे, कैसे सेट बनेंगे वन 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 टू सॉरी वन थ्री वन सेवन वन नाइन,
ठीक है, हमारा लड़का जी क्या 31 33 37 39, ठीक है। अब आते हैं 71 73 77 और 79, एक मिनट सॉरी मैंने थोड़ा गलत बना लिया, ये मैंने रिपीटेड वाला बना दिया। वन थ्री वन सेवन वन नाइन थ्री वन थ्री सेवन थ्री नाइन सेवन वन सेवन थ्री सेवन नाइन नाइन वन नाइन थ्री नाइन सेवन, ये मैंने नॉट रिपीटेड के 12 सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ज़्यादा बन गया, सॉरी 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 ये नहीं था 1 3 से शुरू करेंगे 1 3 1 3 1 7 1 9 1 3 1 7 1 9 3 1 3 7 3 9 7 1 7 3 7 9 9 1 9 3 9 7, यानी रिपीट नहीं होंगे, मतलब इसमें 1 1 3 3 7 7 9 9 इस तरीके से रिपीट नहीं करेंगे हम, ये करेंगे हम रिपीटेड के अंदर। रिपीटेड के अंदर जब अभी रिक्वायरमेंट हो हमारी कि रिपीटेड होना चाहिए ऑर्डर अरेंजमेंट, तो इसका जो फॉर्मूला है वो फिर वो एन पी आर वाला नहीं होगा, जो एन पी आर का जो फॉर्मूला है ये नहीं होगा, सिंपल होगा इसका फॉर्मूला जब भी रिपीटेड आ जाए एन इज टू पावर आर, यानी 4 इज टू पावर 2, 16 सेट बनेंगे, ठीक है। अब उसमें ये नॉट रिपीटेड तो आएंगे सेट जो बनेंगे 1 3 1 7 1 9, ये सारे सेट तो आएंगे, पहले मैं सेट लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ रिपीटेड में क्या फ़र्क है और नॉट रिपीटेड में। अब यहाँ पे जो सेट बनेंगे ना उसमें मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ 1 1 भी होगा, 1 को 1 के खुद के साथ भी करेंगे, फिर वही 1 3 1 7 1 9, फिर 3 1 3 3 भी होगा, फिर 3 7 3 9, फिर 7 1 7 3 7 7 भी होगा और 7 9, फिर 9 1 9 3 9 7 भी होगा और 9 9। तब देख रहे हैं यहाँ पे ये नॉट रिपीटेड वाले 12 थे और रिपीटेड वाले 1 1 3 3 7 7 7 7, और ये 9 9, 4 सेट जो है मेरे वो अगर देखें और ऐड कर लें 12 के अंदर तो 16 हो जाएंगे, यानी एक ये ऐड किया 3 3 किया 7 7 किया 9 9 किया, ये रिपीटेड में आ जाता है, ठीक है। और कैलकुलेट करें इस नंबर ऑफ सेट्स, तो ये 12 थे नॉट रिपीटेड, उसमें 4 ऐड करो तो 16, ऑटोमेटिक 16 आंसर जो होगा मेरा, राइट। तो ये रिपीटेड और नॉट रिपीटेड के क्वेश्चन। इसी तरह अभी तक जितने भी किए आपने क्वेश्चन उसमें सब क्वेश्चन के अंदर जो डाटा दिया हुआ है मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वो सारे डिफरेंट है, 1 3 1 1 3 7 एंड 9, CAT CAT, देख रहे हैं 5 men 20 ATs, ये सारे डिफरेंट सेम नहीं है, 3 4 5 डिफरेंट है, यहाँ पे आए ABCD डिफरेंट है। लेकिन अगर मेरे पास कुछ सवाल आ जाए जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है नंबर जो ऑब्जेक्ट वो डिफरेंट ना हो सेम हो, तब हम क्या करेंगे, तब इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो एन पी आर वाला फॉर्मूला नहीं होगा, तब फॉर्मूला होगा डी इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन थ्री फैक्टोरियल
डॉट 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 जितने भी नंबर होंगे। अभी एन और एन वन एन टू एन थ्री क्या चीज़ है ये आपको इस क्वेश्चन से बताता हूँ। लाइक इन हाउ मेनी वेज कैन द वर्ड बुक बी अरेंज्ड। बुक बी यहाँ पे कितनी दफा रिपीट हो रहा है, एक, ओ टू, के वन, बी एक दफा है, ओ दो दफा है, के वन, ठीक है। फर्स्ट जो हो गया मेरा एन वन हो गया, सेकेंड हो गया एन टू, थर्ड हो गया एन थ्री, और टोटल करेंगे हम वन टू थ्री का फोर, ये मेरा टोटल एन हो जाएगा। अब सिंपली जो फॉर्मूला है मेरा एन वन एन टू जो ऊपर मैंने बताया आपको कि एन फैक्टोरियल फोर अपॉन एन वन, एन वन कितने हैं यहाँ पे वन फैक्टोरियल, एन टू कितने हैं यहाँ पे टू फैक्टोरियल, एन थ्री कितने हैं वन फैक्टोरियल। सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, फोर बाय थ्री बाय टू पे छोड़ दें, वन फैक्टोरियल तो वन ही होगा, टू फैक्टोरियल है तो भी मैं आगे टू फैक्टोरियल को सॉल्व नहीं करता हूँ क्योंकि डायरेक्टली वो और वन फैक्टोरियल का वन ही हो जाएगा, डायरेक्टली टू फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो फोर थ्री का ट्वेल्व सेट बनेंगे इसके, बी डबल ओ के बुक के ट्वेल्व सेट बनेंगे। कैसे बनेंगे, सिंपल, बी डबल ओ के बुक बी ओ के ओ अरेंज कर देंगे सेम नाउ रिपीट नाउ, बी के डबल ओ के बी डबल ओ के ओ बी ओ के डबल ओ बी डबल ओ बी के, सर ये बुक जो है पहले तो बुक ये आ गया, बस इसी को आगे पीछे करके अरेंज करेंगे इसको, डबल ओ बी के था ओ के ओ बी ओ के ओ बी ओ बी ओ के बी ओ बी के ओ, ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन, बी डबल ओ के बुक बी ओ के ओ बी के डबल ओ के बी डबल ओ के ओ बी ओ के डबल ओ बी के, उसके बाद डबल ओ के बी डबल ओ के बी भी नहीं हुआ, देख रहे ये 12 सेट बन गए इस बी डबल ओ के बुक के आगे पीछे करके, ठीक है। अब लाइक एक और क्वेश्चन लेते हैं, कॉमर्स सी जो है वो टू टाइम्स है, ठीक है, ओ यहाँ पे एक दफ़ा है, एम जो है वो टू टाइम्स है, ई टू टाइम्स है, ठीक है, आर वन टाइम है, तो टोटल सेट बनेंगे एट, ये मेरा एन वन एन टू एन थ्री एन फोर एन फाइव, ये टोटल एन। अब इसको सॉल्व करते हैं, डी इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल एन थ्री फैक्टोरियल एन फोर फैक्टोरियल एन फाइव फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, एट बाय सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू पे छोड़ देते हैं तो एट टू जो है वो कैंसिल हो जाएगा, टू बाय वन वन तो वन ही होगा, टू बाय वन वन टू बाय वन, इस टू को मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ नहीं करता हूँ, वन का वन ही होगा, नॉर्मल इसको सॉल्व कर देंगे, टू वन दू टू टू द फोर टू टू कैंसिल, तो मेरा जो आंसर आएगा एट सेवन सिक्स
फाइव और थ्री, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो फाइव जीरो फोर जीरो, ठीक है। अब ये बड़ा आंसर है, इसको यहीं छोड़ देंगे क्योंकि इसके सेट बनाने जाएंगे अगर तो 5000 सेट बनेंगे, 5040 जो हमारी फ़िलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है। जब छोटा आंसर हो तो उसके सेट इजीली बन जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसको 5040 तक सेट नहीं बनाएंगे, हमारा मेन जो आंसर है वो ये है, ठीक है। राइट, तो ये थे क्वेश्चंस परम्यूटेशन के। अब इसके अंदर दो चीज़ें बताएं, एक मैंने आपको जो डिफरेंट डाटा आते हैं और एक जो सेम डाटा आता है। अच्छा, उसके अंदर दोनों के अंदर अगर हमारा स्मॉलेस्ट अगर वैल्यू आ रही है तो उसका हम सेट बना लेंगे अगर, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है इतने बड़े सेट बनाने की, तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये 5040 है, अब इसको मैं कॉमर्स को भी करता हूँ, इस तरह सेट करने पड़ेंगे मुझे इस तरीके से, कॉमर्स सी इस तरीके से जो मेरे कॉमर्स के सेट बनेंगे। एक एक बन गया ये, अब इस तरह ये सी आर ओ एम ई एम आगे पीछे कर दिया, ये इस तरह सेट बनते जाएंगे 5040, लेकिन फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दो टाइप थी इसके अंदर परम्यूटेशन, जिसके अंदर डाटा जो डिफरेंट है, ठीक है, जिसमें एन पी आर वाला जो था वो क्वेश्चन था, और एक डाटा जो आए मेरे पास जिसमें सेम वैल्यूज आ रही है, ये डिफरेंट डाटा वाले से आ रहे हैं, एन पी आर वाले। और यहाँ पे जो मैंने आपको ये बताया इसमें डिफरेंट रिपीटेड हो रहे थे वैल्यूज, बी ओ है तो वो दो दफ़ा आ रहे हैं, कॉमर्स का नया एम दो दफ़ा तो ये दो दफ़ा आ रहे, तो तब हम इसके फॉर्मूला लाएंगे डी वाला, राइट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी चीज़ें बताऊंगा मैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।